मेकर फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू लेंस मेकर फॉर्मूला क्या रिलेशन होता है अपॉन एफ इज़ यहाँ पे होता है वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं रेडियो को रिप्रेजेंट करते हैं एन वन एंड एन टू के यहाँ रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है एंड एफ जो है वो फोकल लेंथ को रिप्रेजेंट करते है. हैं साथ में क्या जाएगा वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू हियर एन टू जो है वो क्या है रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस को रिप्रेजेंट करता है रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ को करता है, जो है, वो भी क्या है हमारे पास रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है लेकिन ये रिफ्रेक्टिव इंडेक्स होता, हो होता है तो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम फ्रॉम विच इंसिडेंट रेज आर कमिंग जिसके जिसमें से क्या आ रही है इंसिडेंट रेज आ रही है इंसीडेंट रेज आर कमिंग

एयर में प्लेस करेंगे देन आफ्टर हम उसे को इमर्स कर देंगे में जिसका जो रिफ्क इंडेक्स है वो म्यू दिया है ग्लास का जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है वो म्यू जी दिया है दैट इज इक्वल टू वन पॉइंट फाइव दट मीनस ये किसकी इक्वल है एंड टू की इक्वल है फर्स्ट केस में हमने लेंस को प्लेस करना है एयर में जब हम एयर में प्लेस करेंगे तो इंसिडेंट रेज जो है वो एयर से आ रही है तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स फर्स्ट मीडिया का कितना हो गया वन हो गया और क्वेश्चन में हमें बोला है कि जो पावर है थिन ग्लास लेंस की वो कितनी है प्लस फाइव डायोपीटर है तो फर्स्ट पावर है क्या फिल करेंगे म्यूजी म्यूजी अपॉन यहाँ पे क्या है यहाँ पे म्यू ए लिख लेते हैं रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ईदर तो हम यू के साथ डिनोट करेंगे और वी विल डिनोट इट विद N. तो म्यूजी अपॉन म्यू ए माइनस वन हो गया साथ में क्या आ गया वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू तो आर पी वन का जो वैल्यू है वो कितना है फाइव है का 1. 5, ए 1 है तो इसको छोड़ देंगे -1 हो गया गया साथ में में क्या आ से अगर हम वन को माइनस करेंगे और साथ में है वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू तो यहाँ से हम वैल्यू निकाल लेंगे वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू का वो कितना कितना आ गया टेन के इक्वल आ गया कंसिडर्ड इक्वेशन नंबर वन अब क्या करना है लेंस को प्लेस कर देना है रिफ्रेक्टिव मीडिया में जिसका जो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है वो म्यू है अब जो एन वन है वो किसके इक्वल हो गया म्यू के इक्वल हो गया तो एंड टू जो है अगेन वो किसके इक्वल है हमारे पास म्यू जी के इक्वल है दैट इज इक्वल्स टू तो इसके लिए जो पावर है पहले पी टू वो फाइंड आउट करते हैं सेकेंड के लिए हमें जो फोकल लेंथ है वो दिया गया है दैट इज इक्वल्स टू सेंटीमीटर दिया है पावर कितना होगा पावर के यूनिट्स डायोमीटर में लेके आने के लिए हम क्या करते होते हैं हंड्रेड से मल्टीप्लाई करते हैं तो हंड्रेड अपॉन एफ टू होगा सो फ्रॉम हियर पी टू विल बी इक्वल्स टू हंड्रेड अपॉन हंड्रेड बट क्योंकि हमारा जो लेंस है वो क्या है डाइवर्जिंग लेंस दिया है डाइवर्सिंग है अगर डाइवर्सिंग है तो यहाँ पे एफ टू के सामने हम क्या यूज करेंगे नेगेटिव साइन यूज करेंगे इस तरीके से पी तो टू का जो वैल्यू है वो कितना आ गया माइनस वन डायोपीटर अब अगेन पी टू के लिए जो क्वेश्चन है वो अप्लाई कर देंगे सो वी कैन राइट पी टू इज इक्वल टू इस केस में जो एन टू है अगेन वो किसके इक्वल है म्यू जी के इक्वल है अपॉन हमारे क्या है एम एन वन है तो वो म्यू है यहाँ पे माइनस वन आ गया और साथ में क्या आ जाएगा वन आर वन माइनस वन अपन आर टू आ जाएगा हमें म्यू फाइंड आउट करना है फर्स्ट इक्वेशन से वन अफ ऑन आर वन माइनस वन आर टू का जो वैल्यू है वो टेन आ गया अब यहाँ पे क्या कर देना है यूज कर लेना है इक्वेशन वन को इक्वेशन वन को एंड वैल्यू सब्सिट्यूट कर देते हैं पी टू का जो वैल्यू हमने निकाला दैट इज माइनस वन इज इक्वेल्स टू म्यू जी ग्लास का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स वन दिया है म्यू हमें फाइंड आउट करना है माइनस यहाँ पे वन है इसका जो वैल्यू है का वो 10 आ गया तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं वी कैन राइट वन पॉइंट फाइव अपॉन म्यू माइनस वन इज इक्वल्स टू टेन जो है वो वन से डिवाइड हो जाएगा तो माइनस वन अपॉन टेन आ गया सो फ्रॉम हियर वन पॉइंट फाइव अपॉन म्यू इज टू माइनस का है तो तो ये प्लस का हो जाएगा इसका एलसीएम ले लेंगे राइट हैंड साइड पे सो लेफ्ट था फ्रॉम यर वन पॉइंट फाइव अपॉन म्यूज इक्वेल टू नाइन अपॉन टेन तो यहाँ से म्यू का वेल्यू कितना आगा इट इज इक्वल्स टू वन पॉइंट फाइव मल्टीप्लाई बाय टेन अपॉन में क्या हो जाएगा नाइन हो जाएगा सो म्यू इज इक्वल्स टू फिफ्टीन अपॉन नाइन अब ऊपर नीचे हम थ्री पे कैंसिल कर सकते हैं सो so, म्यू क्या आ जाएगा ऊपर थ्री पे कैंसिल करेंगे तो फाइव आएगा नीचे थ्री पे कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा थ्री आएगा सो so, म्यू का वैल्यू होगा फाइव अपॉन थ्री गिवन ऑप्शन में से बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है आई होप यू अंडरस्टूड ट्वेल्व थैंक्स